ସିମଲିଗୁଡ଼ାର ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀର 108 ଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ସେଇ ଉପରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ବନେଇବି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଉପରେ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଉପରେ। ଗୁରୁଜୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରକର ପ୍ରଜ୍ଞା ସଜଳ ମନେ ମନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠୁ ଯାହା ଯାହା କୁହା ହଉଛି ମନ ଦେଇକି और थोड़ी देर के हमारे स्वयं भाई स्वयं बहने भी कुछ देर के लिए बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, तुरंत बैठ जाए। लेकिन क्या है बहन भाइयों, इस मिशन का टारगेट निश्चित है, निराश नहीं होते। तो उन्होंने कहा क्या, बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि यज्ञशाला में जो साधन बताए जाते हैं क्या ये जरूरी है, यदि ये साधन ना हो तो क्या यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा, यदि है तो ठीक है। ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ସକାଳେ, ଯେତେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ନାନୀମାନେ। ଏଇଠି ଭାଇ बड़ी गुप्त रहस्य वाली बात आप लोग को बताते हैं।
ଏଠି ଗାୟତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଷ୍ଟଲ ଯାକ ସବୁ समर्पित करेंगे। एक चौकोर आकार का पीड़ित का पात्र होगा लकड़ी का, उसमें पानी जल रख लें और घी गर्म कर लें, घी गर्म ना और एक छेद वाला ऐसा था सेवा पात्र होगा उसके माध्यम से क्या था और डस्टबिन में क्या था। प्रकृति हमारी माता है, उसके अनुदानों से हमारा जीवन सुरक्षित होता है। हमारे हो तुम हमारे दीन होगे हे परम गुरुदेव। हमारे हो तुम हमारे दीन होगे हे परम हाथ उठाइए, हाथों में
ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି